दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम को ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, कुल नॉट रिफ्रेश फीड। तो किस तरीके से आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को भी यही सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, कुल नॉट रिफ्रेश फीड, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से करना है, इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम को ओपन करते हो या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल को रिफ्रेश करते हो तो आप लोग को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके किस तरीके से आप लोग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो में आप लोग को वन क्लिक के अंदर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा कर मैं सेट कर देना। इससे क्या होगा, जैसे मैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को देख लेना है ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये फर्स्ट है मेथन। सबसे पहले आप लोग को देख लेना है कि आपका डाटा जो है ऑन है कि नहीं है। ये जो गाइस ये डाटा के वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है आता है, कुल नॉट रिफ्रेश फीड। अगर आप लोग का डाटा ऑन है तो देख लेना है, अगर आप लोग का डाटा ऑन है फिर भी आप लोग को यही प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग को फिर आप लोगों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को इंस्टाग्राम को 10 सेकंड के लिए टैप करके रखना है, फिर यहाँ पे आप लोगों को ऐप इन्फो को खोलना है। जैसे आप लोग ऐप इन्फो को खोलोगे यहाँ पे स्टोरेज एंड कैचेस का ऑप्शन रहेगा, इस पर आप लोग क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आप लोग को क्लियर कैच कर देना है। क्लियर कैच करने के बाद आप लोग को जो है इंस्टाग्राम को ओपन करना है, आप लोग का ये जो प्रॉब्लम है 101% सॉल्व हो जाएगा। देख लेना आप लोग क्लियर स्टोरेज नहीं करना है, क्लियर स्टोरेज करोगे तो आपका जो आईडी पासवर्ड जो है आप लोग को फिर से डालना होगा। अगर आप लोग आईडी पासवर्ड पता हो तो आप लोग क्लियर स्टोरेज कर देना, क्लियर स्टोरेज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और अगर आप लोग क्लियर कैच भी कर लोगे तो क्लियर कैच करने के बाद भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।